बोलिए लखदातार की, बोलिए बालाजी महाराज की। सुश्याम मित्र मंडल, सुश्याम चैरिटेबल ट्रस्ट मोरबी की ओर से बाबा का ये षष्टम उत्सव, इस पावन दरबार में मेरा प्रणाम। आप उपस्थित सभी मोरबी के भक्तों को मेरा प्रणाम हो। जय श्री श्याम। आज दूसरी बार मैं मोरबी की धरती पे आई हूँ। प्रथम दो तीन साल पहले आई थी शायद, हाँ, श्याम मिलन परिवार में। उपस्थित सभी हमारे जो भी मंडल वाले सदस्य, जितने भी सदस्य गण है, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम। सभी को जय श्री श्याम। भैया गली गली में ये ऐलान होना चाहिए और हर मंदिर में मेरा श्याम होना चाहिए, और जब भी कोई श्याम प्रेमी मिले तो और कुछ होना हो, जय श्री श्याम तो होना चाहिए। जरा मुट्ठियों को भींच के, सांसों को खींच के, एक बुलंद जयकार बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लखदातार की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए जगत मात मातेश्वरी की, बोलिए शंकर भगवान की, बोले अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने मात पिता की। दरबार बड़ा सुंदर लग रहा है। इस दरबार को जिसने भी सजाया, मैंने जयपुर से आए हैं ना भैया, जयपुर से दरबार आया है आज बाबा का। जरा जोरदार तालियां बजाइए इस दरबार के लिए। और हमारे बीच हमारे म्यूजिशियन भाई सोनू भैया और पूरी टीम जो जयपुर से पधारी है, जोरदार तालियां बजाइए। श्री राधे श्याम साउंड मेहसाना से, मेहसाना से जरा जोरदार तालियां बजाइए भैया। साउंड वाले के लिए और तेज बजाओ। क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, करेंसी के लिए पाउंड का, और भजनों के लिए साउंड का होना बड़ा जरूरी है। बजाओ ताली एक बार जरा। और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, कैमरे पे सेवा दे रहे हैं आपकी मोरबी से, ये जरा जोरदार तालियां उनके लिए भी। और अब सबसे ज्यादा जोरदार तालियां तीनों लोगों की नाथ सेठ साहूरा जो खाटू धाम से आके बैठा है, बोलिए खाटू नरेश की। आइएगा मेरे श्याम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्य हनुमान तुम आए जहाँ होत कथा इतिहास तुम पायक श्री राम के प्रभु हम चरणों के दास हाथ जोड़ विनती करो तो सुनियो तो रखियो भारी लाज दुर्गी माता शारदे मेरे घट के पट तू खोल रसना पीवा सा करो मेरे मीठे लागे वो बोलिए साचे दरबार की एक रचना। देखो दरबार चाहे श्याम जी का हो चाहे राम जी का हो, हनुमान जी महाराज घोटाले के जरूर विराजमान होते हैं, तो एक रचना बालाजी महाराज का जैसा मेरा नियम है, किसी भी दरबार में भजन गाने से पहले एक रचना हनुमान जी महाराज की जरूर गाती हूँ। साला सर कौन कौन गए हैं आप में से? साला सर, अच्छा आज तो सारे ही मारवाड़ी बैठे, तो साला सर तो पक्के ही हैं। बोलिए साला सर बालाजी महाराज की। भैया थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, वो थोड़ा सा सेट कर दो बस। कि बूटी संजीवनी ना ला पाते तो लक्ष्मण जी ना जी पाते, सीता भी ना मिल पाती और लंका भी ना जल पाती, बल में अगर बलवान ना होते, हाथ में लिए गदा अगर महान ना होते, तो विजय श्री राम ना होते, अगर पवन पुत्र हनुमान ना होते। बोलिए हनुमान जी महाराज की सुनो।
हनुमान जी महाराज जब सात समंदर पार गए लंका, क्यों गए? माता सीता का पता लगाने गए। तो वहां क्या क्या हुआ इस भजन में सुनिएगा। जब पहुंचे लंका नगरी में जा पहुंचे लंका नगरी में सागर लांग के, जा पहुंचे लंका नगरी में सागर लांग के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना ताल के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत, आवाज नहीं आए, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना, हाँ सिया राम की जय जय बोले हनुमत। थोड़ा बच्चा पार्टी को यहाँ से उठा लो, कहीं पीछे धक्का लग जाए तो, है ना। देखो हनुमान जी महाराज का भजन है, ससुराल में साली का, कान में बाली का, बाग में माली का, और बालाजी के भजन में ताली का होना बड़ा जरूरी है। मोरबी वालों, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना ताल के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना ताल के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना ताल के, विश्व राममय हो रखा है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मोरबी वालों आवाज कहां चली गई आपकी? कहीं नीम भी आम से कम नहीं होता, जहां सजा हूं मेरे बाबा का दरबार, वहां मोरबी के भक्तों का जोश भी कलकत्ता वालों से कम नहीं होता। बोलो जय श्री राम, 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 बोलो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की आता है तो बताओ क्या किया।
प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका, अरे बोलो, प्रभु मुद्रिका जल्दी लान गए, प्रभु मुद्रिका। इतने सारे हिंदू बैठे और हनुमान चालीसा में ऐसी आवाज हो रही है, तभी 500 साल लग गए अयोध्या में राम मंदिर बनने को। अब तो थोड़ी जागृति है जरा। प्रभु मुद्रिका मिल मुकमाई, जल्दी लान गए अचरज नाय, प्रभु मुद्रिका मिल मुकमाई, जल्दी लान गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। होतने आ गया राम द्वारे, सीता मैया को जब भरोसा हो गया कि मेरे प्रभु राम का ही दूत है, तो सीता मैया ने क्या किया? आपकी बार, मेरी माताओं बहनों की बारी। अष्ट सिद्धि नव निध के दाता, अष्ट सिद्धि नव निध के दाता, अस्पर दीन जानकी माता, मतलब हनुमान चालीसा याद है ये तो पक्का हुआ। सीता जी ने क्या किया सुनिएगा। अजर अमर का वर दे डाला सेवक जान के, अजर अमर का वर दे डाला सेवक जान के, सिया राम की चल रही है सुनना। दानव सारे डर कर भाग गए रावण के पास, दानव सारे डर कर भाग गए रावण के पास, अक्षय को तो मार गिराया आया मेघना, अक्षय को तो मार गिराया आया मेघना, कैद किया जाए। और वो तो हनुमान जी है साहब, कैद तो ऐसे कैसे होंगे। तो रावण ने चाल चली और ब्रह्म बाण में हनुमान जी को, ये भजन इसलिए गा रही हूँ, अभी पूरा भारत पूरा विश्व राममय हो रखा है, तो जिनको हनुमान चालीसा का मीनिंग पता नहीं है, इस भजन के माध्यम से थोड़ा बहुत बोल तो लेते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ हमें कई बार मालूम नहीं होता, इसलिए ये भजन गा रही हूँ। मेन उद्देश्य ये है। तो रावण ने हनुमान जी को फांसने के लिए ब्रह्म बाण का सहारा लिया और हनुमान जी ब्रह्मा जी के पुजारी शिव जी के अवतारी हनुमान जी ब्रह्म बाण में अपनी इच्छा से कैद हो गए। बोलो बालाजी महाराज की। ब्रह्म बाण में फंस गए हनुमत अपना जान के, ब्रह्म बाण में फंस गए हनुमत अपना जान के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीता का।
शुरू कर दी। क्या हुआ? रावण ने पूछा कपिवर से कहां से वानर आया। रावण ने पूछा कपिवर से कहां से वानर आया। रामचरण सेवक हूं राधे बजरंग ने बतलाया। रामचरण सेवक हूं राधे बजरंग ने बतलाया। ओ भगतो बजरंग ने बतलाया। भगतो बजरंग ने बतलाया। भगतो बजरंग ने बतलाया। भगतो बजरंग ने बतलाया। बांध के क्या पूछ रहा है? अगर हिम्मत है तो खोल के बता, फिर बताता हूँ रावण कौन है, हनुमान कौन है और मेरे राम कौन है। हनुमान जी ने कहा, रावण तू क्यों आंख दिखाए मुझको बांध के। रावण तू क्यों ओ भाई जी बजाता नहीं। रावण की नजर में उस वक्त बोला, एक वानर मुझे कह रहा है कि खोल के बता, रावण का ईगो हर्ट हो गया। तो रावण ने क्या किया? हनुमान जी की पूंछ में, रावण ने तो पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने पूरी की पूरी लगा। रावण ने फिर क्रोध में आकर पूंछ में आग लगा दी। रावण ने फिर क्रोध में आकर पूंछ में आग लगा दी। हनुमत ने फिर घूम घूम कर सारी लंका जला दी। नाच कूदते पहुंचे हनुमत सम्मुख राम के। नाच कूदते पहुंचे हनुमत सम्मुख राम के। सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना। सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना। मैंने भैया आपको इसलिए रुकाया, भजन चल रहा है हनुमान जी का, बीच में मैं क्यों बाबा भोग लगाऊं? वो थोड़ा सा ना, ये एक बार इस भजन को समापन कर दे। अगर भजन अच्छा लगा हनुमान जी के, राम जी के भगत, तो दोनों हाथों को उठा के मिलके
ओ सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना तारी रे। सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीना कर्मा की पत राख जो मोर खाटू वाला शाह। देखो मैं अकेली भोग लगाऊं ली तो बाबू भोग लगावे गो कि नहीं लगावे गो ठा नहीं है, पर अगर सगला मिलके भोग लगावा तो ठाकुर पक्को। थाली भर कर लाई रे खीचड़ो भगवान की।
और ठाकुर जी ने पुकार,